एक गेट 2018 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैथमेटिक्स, फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेस बेसिकली और डिटर्मिनेंट, ऐसा जब ट्रेस और डिटर्मिनेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट अगर करेंगे तो ये आइगन वैल्यू से रिलेट होता है। अगर मैं ट्रेस की बात करूँ, ठीक है, एक मैट्रिक्स के ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। और अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया कि अगर सपोज करते हैं 2x2 का मैट्रिक्स है, मैं ए के आइगन वैल्यूज को ले लेता हूँ, सपोज आइगन वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ ई वी, स्मॉल ई वी ऑफ ए, ये हो गया λ1, λ2। तो हम लोग को पता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, हमको पता है कि λ1 का स्क्वायर होगा और λ2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ट्रेस का मतलब होता है समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, तो मैं फर्स्ट जो हमारे पास डेटा है उसको यूज करता हूँ इसके लिए, सेकंड डेटा को यूज करता हूँ इसके लिए, और देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4, इसका मतलब λ1 हमको दिया क्या हुआ, डेटा λ1 + λ2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सेकंड हमको दिया हुआ है λ1 × λ2 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बिकॉज अच्छा ये तो सेकंड स्क्वायर की बात हम लोग कर रहे थे ना, अभी इंटू की बात नहीं कर रहे, वो तो हमको निकालना है। तो हमको गिवन है स्क्वायर का आइगन वैल्यू λ1² λ2² और इज इक्वल टू 5, तो ये ट्रेस होता है समेशन ऑफ आइगन वैल्यू, ये समेशन ऑफ आइगन वैल्यू। तो जो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ था, अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए की, तो ट्रेस ऑफ ए हमने निकाल लिया, सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर की, मैं टी आर लिख लेता हूँ ट्रेस को, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भैया डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास गिवन डेटा हो गया, गिवन डेटा, और जो आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज व्हाट, λ1 × λ2, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने ना ये तो पढ़ा हुआ है, कहाँ पता है आपको, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में भैया, ये प्लस दिया हुआ, ए प्लस बी दिया हुआ, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दें। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है हमारे पास, λ1² + λ2² + 2ab, तो 2λ1 × λ2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ठीक ना, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब बात कर लेते हैं λ1 × λ2, उसकी वैल्यू तो निकालनी है, यहाँ पर से ये जो डेटा की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो ये हो गया रिप्लेस, और रिप्लेस हो रहा है λ1² + λ2² = 5 से, तो ये रिप्लेस हो गया 5 + 2λ1 × λ2 = 16, बस सॉल्व हो गया। आपको निकालना क्या है, अवर क्वेश्चन इज वॉट, λ1 × λ2, दैट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वॉट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो वही आपको निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये देखिए, ये आपको निकालना है, सब कुछ नोन है, आपने अभी तक निकाल भी लिया होगा, तो आंसर क्या आने वाला देखते हैं। तो ये हो गया 2λ1 × λ2 = 16 − 5, ठीक है, इसका आपने किया था स्क्वायर, और ये आपने ये उधर चले गया, 5 माइनस हो गया, तो 16 − 5 11, सॺरी, तो आ गया λ1 × λ2 = कितना, 11/2, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, 5.5, जो भी, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले और आंसर क्या है आपको पता चल गया। तो बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट क्या था भैया कि आइगन वैल्यू, दैट मीन्स ट्रेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ ए, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ दैट आइगन वैल्यूज विच इज द स्क्वायर, सो λ1² + λ2² ये दिया हुआ 4, ये दिया हुआ 5, इसका मैंने जैसे स्क्वायर किया, ये डेटा हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास अननोन था, इसकी वैल्यू थी 5, 4 का स्क्वायर हुआ 16, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, फिर सिंपल आपने उधर ट्रांसफर किया और आपने कैलकुलेट कर लिया। एक बार चेक कर लें, कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो आप नीचे बता सकते हैं कि कहीं पर वैल्यू अगर चेंज हो रही होगी या जो भी। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर हमारे पास 16 − 5 = 11 और डिवाइड बाई 2, तो 11/2 विच इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर, 11/2 द आंसर।